हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी में कल के डेट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट जो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होके फिर से क्लोजिंग प्राइस के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया है और फिर मार्केट जो एक रेंज के अंदर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको बाइंग के साइड अगर का बाइंग के साइड ट्रेड आप कब एग्जीक्यूट करना है, 42,550 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है प्राइस एक्शन बना के तो फिर आपको ट्रेड करना है। सेलिंग जो आपको करना है वो 42,300 के नीचे ही जो है आपको यहाँ पे सेलिंग करना है। अगर बाइंग साइड अगर मार्केट यहाँ से अगर लेवल के निकलता है तो फिर आपको इमीडिएट टारगेट जो रहेगा आपका 42,750 तक भी मार्केट यहाँ से फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका 750 रहेगा, सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो 43,000 का यहाँ पर टारगेट यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट क्रॉस करता है 42,550 तो फिर आपको ट्रेड लेना है। 30-40 रुपये यहाँ पे स्टॉप, 30-50 रुपीज़ आप यहाँ पे स्टॉप लॉट डाल सकते हो क्योंकि इंडिया वीक जो यहाँ पे आपको कम शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे शो रहा होगा इंडिया वीक जो आपको यहाँ पे लोएस्ट लेवल पे यहाँ पे शो रहा होगा, तो आईबी परसेंटेज जो रहता है वो यहाँ पे आपको कम शो कम दिखाई दे रहा होगा, मतलब कम रहता है। आप देख सकते हो आईबी परसेंटेज यहाँ पे जीरो यहाँ पे आपको शो रहा होगा। जब इंडिया वीक्स कम रहते हैं तो परसेंटेज जो रहता है मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी जो है आपको नियर अबाउट थोड़े कम दाम में यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी जैसे कि आप देख सकते हो, अगर निफ्टी आप देख सकते हो 18,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही आपको यहाँ पे बाय करना है। टारगेट जो रहेगा आपका 18,000 जो है 400 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट जो रहेगा 480 से लेके 500 तक, 18,500 आप राउंड फिगर यहाँ पे पकड़ के चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,400, सेकेंड रहेगा 18,200, लेकिन अगर मार्केट समझो 18,160 के नीचे अगर ओपन होता है या फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको यहाँ पे सेलिंग करना है। टारगेट जो रहेगा आपका 17,950 तक यहाँ पे मार्केट जो है आराम से यहाँ से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस जो है 18,000 के पास रहेगा, तो वहाँ से भी एक शार्प मोमेंटम जो है आपको 30-50 पॉइंट्स का भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको जो है यहाँ पे 300 के ऊपर बाय करना है। सेल जो करना है आपको वो करना है 18,150 की राउंड फिगर 150 के नीचे आप पकड़ के चलिए, 150-160 के नीचे जो है आपको यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में जैसे कि आप देख सकते हो, ऑप्शन चेन में देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट स्कोर राइटर जो यहाँ पे ओपन है आप यहाँ पे देख सकते हो 40 लैक्स का, नियर अबाउट 40 लैक्स का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 42,500 के पास। सपोर्ट यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा शो कर रहा होगा, लेकिन अगर 500 अगर निकलता है तो फिर यहाँ से जो है शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए भी आपको एक मोमेंटम यहाँ से जनरेट हो सकता है, तो वहाँ से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो आपको मिल सकता है। ठीक है, सपोर्ट जो यहाँ पर बैंक निफ्टी में शो रहा है वो 14,200, 300, 400 यहाँ पर नीचे के साइड में जो है यहाँ पर सपोर्ट शो हो रहा होगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा वो 42,500 के पास है, और सपोर्ट जो है यहाँ पे 42,300 से लेकर 400 के बीच में आपको यहाँ पे जो यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर 42,500 निकलता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है, 300-500 पॉइंट्स का भी मूवमेंटम यहाँ पे आप देख सकते हो। आईवी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लो लेवल पर आईवी है। ठीक है, पीसीआर भी जो है 1:05 यहाँ पे बुलिश पीसीआर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देख सकते हो 1.10 CR का, मतलब 1 CR का अगर यहाँ पे आप देख सकते हो 1.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन है 18,300, उसके बाद 1 CR का रहेगा 18,400 का। सपोर्ट जो रहेगा वो 18,200 के पास है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अगर 150 अगर क्रॉस करता है 18,150 तो फिर यहाँ से एक मूवमेंट आप देख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट हाइएस्ट सपोर्ट जो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा वो शो हो रहा होगा आपको 18,000 के पास। तो अगर 18,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट जो रहेगा आपका
400 रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 500 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉल शॉर्ट है तो फिर यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तो यहाँ से कॉल जो यहाँ पे कवर होंगे, और वहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा निफ्टी की जगह अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश ज़्यादा लग रहा है, अगर आपको बाइंग के साइड ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे भी सिमिलर केस है, आप देख सकते हो आईवी जो यहाँ पे लो है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और पीसीआर जो नियर अबाउट बुलिश ही पीसीआर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 0.85। तो थोड़ा बैंक निफ्टी जो यहाँ पे थोड़ा बुलिश यहाँ पे शो हो रहा है निफ्टी के कंपेरिजन में, लेकिन आप निफ्टी भी अगर ट्रेड कर सकते हो। अगर 300 अगर निकलता है तो फिर आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो, वहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो आपको आप कैप्चर जो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।